श्रोमणी अकाली दल टकसाली श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक आज एक हो गए ने इन दोनों ने आज अपना गठजोड़ कर लिया है। साडे कोल इस वक्त मौजूद ने सुखदेव सिंह ढींसा जी, इन्हां नाल गलबात करांगे, इन्हां तो जानांगे कि की सब तो वड्डा कारण रहा इस गठजोड़ का। ढींसा साहब, की सब तो वड्डा कारण रहा कि अज यह दो पार्टियां जिन्हों दो ग्रुप्स विच कहा जांदा सी वह अज एक हो गए ने, गठजोड़ हो गया है? उसका कारण सी कि वर्करां च इक सीगे वी तुहाडा सिद्धांत एक है, तुसीं एक इशू तो छड्ड के आए हो तो तुसीं क्यों नहीं इकट्ठे होंदे? इस करके वर्करां ने साढ़े प्रैशर पाया, असी दोनों ने मन बनाया, इन्हां ने तीन मैंबरी कमेटी बनाती, तीन मैंबरी मैं बनाती, उन्होंने ने फैसला करता कि मैनू प्रधान चुन लिया, इन्हां नू सरप्रस्त, इस करके सानू अधिकार देता भी तुसीं आपकी नवीं पार्टी बना लो। तो हजे तक कोई नाम सोचा गया कि इस नवी पार्टी का नाम की रखा जाएगा? नाम तो अजे हुण देखांगे, इलैक्शन कमीशन नाल भी गल करनी पैनी, क्योंकि इलैक्शन कमीशन जिन्ना चिर उत्थे कोई रजिस्टर होर उस नाँ की होर ना हुई होवे, तो इस करके उन्होंने गल करके साडे वकील जाणगे, गल करके फिर करावांगे। इस पार्टी के गठजोड़ तो बाद सब तो वड्डा एजेंडा की रहेगा, किस मसले नूं सब तो वध गौर किया जाएगा? एजेंडे बहुत ने बीबा, एजेंडिया का तो अज पंजाब बर्बाद हो गया, अज किसान लुटे जा रहे ने, अज गुरु घर लुटे जा रहे ने, अज सरकार लुटी जा रही है, अज कोई केड़ा इशू है, अज नौजवानों की बुरी हालत हुई पई है, अज मजदूर तो मुलाजमान की बुरी हालत हुई पई है, केड़ा इशू है कि जिहड़ा नहीं है इशू? असी वह लवेंगे, असी इशू सारी लवेंगे, लेकिन साड़ी पार्टी जो बड़ी बनूगी, बन के फैसले करूगी, उसके मुताबिक तुरंगे। ते होर किड़े क ऐसे लोग होंगे या किड़ियां पार्टियां ऐसिया होनगियां, क्योंकि गल पिछे ये भी तुसी भी कीती सीगी कि आम आदमी पार्टी ना गठजोड़ किया जा सकता है, उन्हां नाल पहले मर्ज की गल आई सी, फिर तुसी कहा सी गठजोड़ किया जा सकता है, किन्नी कु गल उन्हूं इस पार्टी दे नाल जोड़ी जाएगी? नहीं देखो, गठजोड़ तो असीं फोर्थ फ्रंट की यतन करांगे, लोगों की इच्छा है कि ऐसा फ्रंट कोई बने जिहड़ी उन्हां दोनों तिना पार्टियां नूं टक्कर दे सके, उन्हां नूं हरा सके, वह असी कोशिश करांगे कि सारे नूं आवाज़ देवांगे कि आओ भाई आपां इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ीए लोगों की इच्छा के मुताबिक, कौन आते हैं वह वखरा टाइम दसेगा। इस वक्त साढ़े नाल ब्रह्मपुरा साहब भी मौजूद ने, उन्होंने गलबात करते हैं, उन्होंने तो पूछते हैं कि किस तरीके नाल की तुहाडा, जिस तरीके नाल असी गल कर रहे हैं बैबल कला मामला जिहड़ा बेअदबी मामला आंदा आ, उसनू किस तरीके नाल तुहाडी पार्टी दे विच उहनू किन्ना गौर किया जाएगा? बहुत सीरियस मसला जी, और मैं समझा कि जदों वाकया होया सी श्रोमणी अकाली दल बादल की सरकार सी, 15 महीने सरकार उहदी रही, 15 महीनों दे विच किसे नूं नहीं फड़िया, किसे दा चलान नहीं पेश कीता, किसे नूं अरैसट नहीं कीता, इस करके वो साध तों डरदा है, वोटां तों डरदा, उन्होंने उन्हूं हाथ नहीं पाया, और सिखां दे नाल धोखा कीता, पंजाब दे लोकां नाल धोखा कीता, और जाण बुझ के ये जिहड़ा इस चीज़ नूं लमकाया। फिर आ गई कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार को 4 साल हो गए, सवा 4 साल, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये जान बुझ के सिखां दे नाल खास करके ते पंजाब दे लोकां नाल करके ये बेइंसाफी करते ने, धक्का करते ने, और इहदा खमियाजा इन्हां नूं वाली इलैक्शन दी जरूरत नूं होगा। तो उत्थे ही जिहड़ा इस मामले की जांच कर रहे थे कुंवर विजय प्रताप जी, उन्होंने एक बहुत वड्डा एक गल कही है कि इन्हां नूं टॉर्चर किया जा रहा, उन्होंने जिहड़ा इमोशनली मैंटली टॉर्चर करने की गल की, उन्होंने उसनों किस तरीके नाल देखते हो? बीबी जी, उन्होंने टॉर्चर किया ना, उन्हें इशू नहीं गएगा, बैबल कलां दे विच इह कादा इशू आ, उन्होंने टॉर्चर किया, उन्हें की पता किसी नूं टॉर्चर ना किया, लेकिन नेक अफसर से, इमानदार अफसर से, जुर्त वाला अफसर से, लेकिन कई बार जा बंदा जानबुझ के नहीं करता, सहमन भी कई बार कई कई गल्लां गलत हो जांदियां ने, सो इस करके मैं बहुता नहीं उहदे ते। ढींसा साहब, हुण 2022 दीआं चोणां आ रहीआं ने, की तुहाडी पार्टी उहनां नूं लड़ेगी या SGPC दी चोणां लड़ेगी? साडी इकट्ठे ही SGPC लड़ने, असीं असैंबली भी लड़ांगे, सारा कुछ लड़ांगे, पंजाब दे भले लई जो कुछ कर सकदे सी उह करांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी नहीं लड़ूंगा कोई इलैक्शन, तो ब्रह्मपुरा जी भी कोई इलैक्शन असीं नहीं लड़ांगे, असी लड़ावे जरूर पर असी आप नहीं लड़ा, साड़ी कोशिश होएगी कि जेड़ा श्रोमणी कमेटी है वो तो सिर्फ धार्मिक बंदे आके इलेक्शन लड़न। ये साढ़े नाल ढींसा साहब ते ब्रह्मपुरा साहब जिन्होंने दस्या कि जिहड़ी इस वक्त इन्होंने पार्टी की गठजोड़ किया है उहदा नां जिहड़ा रख्या जाएगा हजे वह अगे तय किया जाएगा, उस दे नाल ही जिहड़ी समाज की भलाई वास्ते यह जिहड़ी नवीं पार्टी है सिरजी गई है, इस तरीके नाल इस विच सब तो वड्डा मोटिव रख्या जाएगा जिहड़ी समाज की भलाई की जाएगी। कैमरामैन सुनील दे नाल अनुजा शर्मा, देश प्रदेश TV चंडीगढ़।